यस गुड मॉर्निंग बेटा। आज मेरा असर बेटा विरोधी शब्द करांगे, उस तो बाद लेख करांगे मिठत नीवी नानका फुल चंगियाईया तद। विरोधी शब्द है बेटा, पेज नंबर बुक ते खोलो बेटा, ग्रामर बुक। पेज नंबर 71 असी पीजी 1 विच कर चुके हां, हुन पेज नंबर 72 है। ओके पेज नंबर 72 विरोधी शब्द बेटा एमसीक्यू दे विच भी आ सकदे आ तुहानू, ते बेटा कोई दो या तीन विरोधी शब्द देख के तो लिखने भी आ सकदे, ठीक है बेटा। इसलिए बेटा सब ने अच्छी तरह ध्यान ना सुनने है। कवर नूर एनी डाउट? कवर नूर मैम ये शेयर कॉपी में करने हैं विरोधी शब्द? नो, सिर्फ लर्न करने हैं। ओके मैम। विरोधी शब्द का की मीनिंग है? विरोधी शब्द बेटा होंगे जेडे एक दूसरे का उल्ट मीनिंग रखते, उन्होंने की कहने आप विरोधी शब्द कहने। हाँ फर्स्ट है 72 पेज दे, आधुनिक। आधुनिक मतलब नवा, प्राचीन पुराना, ठीक है, आधुनिक दा प्राचीन। नेक्स्ट है आलसी उद्यमी, आलसी दा उद्यमी। आसान मुश्किल, बाद चो सुनने भी बेटा मैं थोड़े को ध्यान ना सुनो। आकाश धरती, ठीक है, आकाश दा धरती। आज्ञा बेनती, ठीक है, किसी आज्ञा देनी, ठीक है, बेनती करनी, रिक्वेस्ट करनी। आम खास, आमदनी खर्च, आमदनी दा खर्च। अद्धा पूरा, ध्यान ना सुनो बेटा, फिर मैं बोर्ड ते कुछ वर्ड लिखांगी, बाद चो थोड़े को सुनने हैं। अद्धा पूरा, अद्धा मतलब हाफ। ओखा सोखा, ओखा सोखा। ओतरा सोतरा, रब माड़े काम करे। अंतला आरंभिक, अंतला मतलब अखीरला, अंतला दा मीनिंग अखीरला, आरंभिक शुरुआत। अंदर बाहर, अंबर धरती, अंबर यानी कि आप आसमान नू कहने। अन्ना सुजाखा, सुजाखा दा मीनिंग है जिन्हों अच्छी तरह दिखाई देवे, अन्ना ब्लाइंड पीपल, जिन्हें दिखाई ना देवे। नेक्स्ट है अड़ना, अड़ना मतलब किसी गल ते अड़ जाना, मीन किसी गल ना मननी, अड़ना दा मनना, ठीक है, गल नू मन जाना। नेक्स्ट है ईरखा, ईरखा करनी किसी ना, नफरत मतलब प्यार। अकेरा अकेरा दा दूरा, डबल। इज्जत बेइज्जत, इज्जत दा बेइज्जत। ईमानदार बेईमान। एका या एकता दा फुट, एका या एकता फुट। स्त्री पुरुष या मर्द। इकरार करना इनकार करना, इकरार इनकार, इकरार मतलब वादा, इनकार मतलब मना कर देना। इतबार, किसी ते इतबार होना, पूरा विश्वास होना। बेइतबारी, ये किसी ते विश्वास ना होना, बेइतबारी। नेक्स्ट है इधर उधर, दिस साइड दैट साइड। शहरी पेंडू, शहर विच रहने वाले नूं शहरी, पिंड विच रहने वाले नूं पेंडू। सका मतरिया, सस्ता महंगा, ठीक है, सका मतलब रियल ब्रदर। सखना भरिया, सखना का मीनिंग होता है खाली, सखना मतलब खाली, भरिया। सखी, सखी मीनिंग सहेली, दोस्त, सखी। सूम। नेक्स्ट है सच, झूठ, सच दा झूठ। सज्जर तोकड़, सज्जर तोकड़। सत असत, जिहड़ा झूठ बोले असत। सदीवी, जिहड़ा सदा रवे, सदीवी मतलब सदा रहन वाला। सदीवी दा थोड़ा चिर या वक्ती। सभ्या जांगली, ठीक है, सभ्या मतलब जिहड़ा बड़ा कल्चर्ड परसन है, ठीक है, बड़ा सलीके नाल गल करदा है। जांगली जिहनू गल करन दी अकल नहीं। नेक्स्ट है शराबी सोफी, जिहड़ा शराब पीवे। सुतंत्र आजादी, परतंत्र। सड़ियल, सड़ियल दा हसमुख, बड़ा हसमुख है। रोंदू, ठीक है, रोंदू दा हसमुख सेम, सड़ियल ते रोंदू सेम। नेक्स्ट है साडा तुहाडा, साडा तुहाडा। साफ गंदा या मैला। साथी विरोधी,
सियाना न्याणा बड़ा न्याणा है, न्याणिया बच्चिया वाली गल्ला करने वाला, मूर्ख। सीत, सीत मतलब ठंड, सीत का मीनिंग है ठंड, सीत का विरोधी क्या होगा निग्गा, ठीक है जिवें गर्मी। स्वादी बड़ा टेस्ट वाला है, बेस्वादी टेस्टलैस। सुहागन विधवा, ठीक है सुहागन जिहड़ी कि विआई हुई है विधवा जिहदा हसबेंड चला जावे। सुस्त चुस्त, सुक्का गिला, ठीक है सुक्का है वैट ड्राई, ठीक है ड्राई दा वैट, सुक्का गिला भी हो सकता है हरिया भी। सुखी दुखी, सुगड़ना फैलना किसी चीज का फैल जाना। सुचज्जा कुचज्जा, सुचज्जा मतलब जिहड़े चंगे काम करे, ठीक है कुचज्जा जिहड़ा माड़े काम करे कुचज्जा। सुनिया अनसुनिया, मतलब अनसुनिया मतलब किसी गल नू सुन के भी अनसुनी कर लेना भाव की ध्यान नाल ना सुनना। नेक्स्ट है सुलखना कुलखना, जेडे चंगे काम करे माड़े काम करे। सुला लड़ाई, ठीक है सुला हो जानी, ठीक है सुला हो जानी, आप कहने अपने सुला हो गई है लड़ाई। नेक्स्ट है बेटा सफल, किसी काम दे भी सफल हो जाना असफल। सोका सोका पैना, ठीक है कभी ना जो बारिश ना हो, जिस साल बारिश ना हो उस साल अपन कहने सोका पै गया, आप लैटर भी की ना बेटा एट्थ क्लास दे विच। सोका दा डोबा, जो बहुत ज्यादा बारिश होवे उन्हूं आप कहने डोबा। सोका मतलब जिस साल बारिश बिलकुल ना हो, सोका डोबा मतलब जो बहुत ज्यादा बारिश होवे डोबा। नेक्स्ट है सोग, सोग मतलब दुख है, सोग मतलब गमी दुख खुशी। संखेप, संखेप का विस्तार, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर संखेप ही दो, यानी कि जिहड़ा आप आंसर 2-3 लाइन देने संखेप होंगे, विस्तार जिहदा उत्तर आप 4-5 लाइन देने विस्तार। संगत चंगी संगत, कुसंगत माड़ी संगत, ठीक है माड़े दोस्त। संघाऊ शर्म आना, ठीक है संघाऊ का मतलब शर्म। निझक, निझक मतलब बिना शर्म, हम कई बार बच्चों होंगे अच्छी तरह आंदा भी होंदा पर स्टेज से कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, स्टेज से खड़े होकर बोल नहीं सकते, कहते पर संघाऊ। संघना बड़ा गाढ़ा है, ठीक है पतला या विरला। संयोग, ठीक है संयोग मिलना, विनयोग विछड़ना, संयोग मिलना विनयोग विछड़ना। सांझ, सांझ का मीनिंग शाम, सांझ मतलब शाम, सांझ का विरोधी सवेरा। सहमति, ठीक है सहमति मतलब गल दे भी सहमति एको जी राय है, मतभेद दोनों की राय एको जी नहीं है। शांति अशांति या युद्ध। सखत नरम, बड़ा हार्ड है बड़ा सॉफ्ट है। सजरा मतलब जो फ्रैश खाना है, सजरा बेहा, जो रात की आप खाना खाइए बेहा, ठीक है बासी रोटी बेही। सर्दी गर्मी, सजा देनी, ठीक है इनाम देना। सही गलत। नेक्स्ट है थर्ड लाइन, सदाचार दुराचार माड़े काम करे। शकल बस शकल, सवाल जवाब आंसर क्वेश्चन, ठीक है आंसर क्वेश्चन। साफ गंदा, साफ है बड़ा, ठीक है साफ दा गंदा। सवाल मतलब क्वेश्चन पूछना, जवाब मतलब आंसर देना। नेक्स्ट है साकार निराकार, साकार जिदे कई रूप हो, ठीक है जिदा कोई रूप होवे, साकार जिदा कोई रूप होवे, निराकार जिदा कोई रूप ना होवे। आपां कहिंदे ना परमात्मा साकार भी है ते निराकार भी है, जिदा कोई आकार ना होवे, दोने रूप च है, ठीक है मनो तो उहदे कई रूप है, ना मनो तो कोई रूप नहीं। सिद्धा पुट्ठा, हसना रोना। नेक्स्ट है हक निहक, ठीक है किसी का हक मार लेना निहक। हनेरा चानन, हनेरे दे पैर दे विच बेटा हाहा पैना, नन्ने दे पैर विच पैरी हाहा, कल शुद्ध करवाए सी ना बेटा। हिमायती विरोधी, ठीक है हिमायती है तुहाडे फेवर च है, विरोधी तुहाडे खिलाफ। नेक्स्ट वर्ड कट देना बेटा 133। हाजर गैर हाजर, हाजर मतलब प्रेजेंट, गैर हाजर एबसेंट। हानि लाभ, ठीक है लॉस होना प्रॉफिट होना। हार जीत, हारदा जीत। हाल बेहाल माड़ा हाल, बेहाल मतलब माड़ा हाल होना। होचा ठहरिया होया, होचा मतलब जो गल बड़ा अगे अगे होके करे, किसी ने गलत ढंग ना बोले उची उची ठहरिया होया। होला भारा, होला मतलब हल्का।
हंकारी है, बड़ा निमाना है, निम के रहन वाला, निमाना या निमर। हिंसा अहिंसा, हिंसा मतलब जिहड़ा लड़ाई विच विश्वास रखे, अहिंसा जिहड़ा लड़ाई झगड़े विच विश्वास ना रखे। महात्मा गांधी किसी बेटा अहिंसा विच विश्वास रखते सन, भाव कि सानू हर गल नू असीं प्यार दे नाल समझा सकते हाँ। होश बेहोश, हल्का है ठीक है, गाढ़ा हल्का तो बेटा भारा भी लिख सकते हैं, हल्का भारा। कसिया ढिला ठीक है, टाइट लूज। कह अकह, जिहड़ी गल नू आपां कह नहीं सकते उहनूं कहिंदे अकह ठीक है, जिहड़ी गल कही ना जा सके अकह। कठोर है, बड़ा नरम है, कठोर जां कड़ा नरम। कमाऊ ठीक है, कमाऊ पुत्र है जिहड़ा कि कमा के लियाण वाला। गवाऊ जिहड़ा पैसे नू गवा दे ठीक है, जां पैसे दा जिहड़ा कि फजूल खर्ची करे। कमाऊ दा निखट्टू भी हो सकदा है जिहड़ा कोई काम ना करे। कमी वादा, नेक्स्ट वर्ड भी कट देना बेटा। कपुत्तर सपुत्तर, माड़े काम करे कपुत्तर, चंगे काम करे सपुत्तर। काला बड़ी जल्दी काली ना करने वाला, सहजवान ठीक है, काला दा सहजवान, भाव जिहड़ा बड़ा सहज नाल गल करे। धीरजवान या धीरज, जिहड़ा धीरज नाल काम करे बड़े आराम दे नाल। कारीगर कारण अकारण ठीक है, कारण किसे काम दा कोई रीजन है करन दा, अकारण बिना कारण तो ठीक है, बिना रीजन। कारीगर अनाड़ी, किसी काम दे विच बड़ा एक्सपर्ट है। काला गोरा या चिट्टा, कुआरी व्याई, कुआरी दा व्याई। क्लियर है बेटा सबनू 72 पेज? अगर किसी नू कोई विरोधी शब्द नहीं क्लियर देन प्लीज रेज योर हैंड बेटा। क्लियर है बेटा सबनू विरोधी शब्द? यस बेटा रेज योर हैंड। फर्स्ट वाला विरोधी जसलीन, यस जसलीन, यस मैम बेंती, यस। फर्स्ट की है आज्ञा करनी, किसे नु हुकम देना मतलब बेंती करनी, रिक्वेस्ट करनी, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम, हम एग्जाम में लेट आएंगे? यस बेटा आएंगे ठीक है मैम, बट एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट सेकंड हेरिन, यस बेटा सेकंड विरोधी। अंतला अनारंभिक, हां अनारंभिक, अंतला मतलब आरंभिक यानी कि अंतला मतलब अकेला, आरंभिक यानी कि शुरुआत। आरजू मैम अड़ना टलना, अड़ना दा टलना दूसरा किसी को और बेटा मनना, हाँ मनना ठीक है मनना। अड़ना दा बेटा टलना रहन दो, मनना वर्ड कर लो ठीक है, टलना कोई ठीक है, अड़ना दा सिर्फ मनना ही करो। दिव्या, दिव्या यस मैम, एकता फुट, हाँ एकता फुट, वेरी गुड। नेक्स्ट सपना, बाकी बच्चे बेटा हैंड रेज करो, सिर्फ फर्स्ट रूल है जिन्हें समझ आया है, बाकी बेटे बाकी बच्चे भी हैंड रेज करो बेटा, बाकी इतनी अच्छी क्लास है पुत्र, हैंड रेज करो बेटा। जायती अनम्यूट योरसेल्फ, यस मैम। जायती नेक्स्ट सखना परिया, यस जायती बेटा हैंड रेज क्यों नहीं करते पुत्र? जायती सखना, यस मैम बेटा करिया करो, वेरी गुड बेटा, सखना ना परिया। कवनूर, कवनूर नेक्स्ट वर्ड बेटा, कवनूर अनम्यूट योरसेल्फ, कवनूर। यस मैम। नेक्स्ट सज्जन, नेक्स्ट दास बेटा चल, साथी दा, साथी दा आंदा बेटा विरोधी, विरोधी हां साथी दा विरोधी। सज्जन दा कौन दसेगा? धैर्य, धैर्य बेटा। धैर्य अनम्यूट योरसेल्फ मैम। मैम सज्जरा है या सज्जर है? सज्जर सज्जर सज्जर, सज्जरा था बेटा होना। मैम बेहा, सज्जरा नहीं है सज्जर है।
ओके मैम। जसलीन, जसलीन बेटा। यस मैम। तोकड़। हाँ सज्जर दा तोकड़। सज्जर मतलब तोकड़। बेटा मैम गिल्ला। गिल्ला दा गिल्ला। एक और केड़ा वर्ड सी बेटा? गिल्ला या हरिया। हरिया वेरी गुड। सांझ, सांता बेटा। अखिलेश, अखिलेश अनम्यूट योरसेल्फ। अखिलेश बेटा इतना इजी वर्ड है। दिव्या, दिव्या बेटा। सवेरा, हाँ सांझ मतलब शाम, सवेरा। ठीक है बेटा, फोर मार्क्स से विरोधी शब्द आ रहे हैं तुहानू। आर्यन, आर्यन बेटा। आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आर्यन जसलीन, जसलीन। यस मैम। यस जसलीन अनम्यूट योरसेल्फ। सजादा मैम। सजादा, सजादा इनाम। सजा इनाम गुड। धैरन, धैन बेटा। नेक्स्ट साकार, साकार था बेटा। यस मैम। साकार बेटा। मैम निराकार। यस निराकार। जिला अगला भी बोल दे बेटा। कारीगर अनाड़ी। हाँ कारीगर दा अनाड़ी। समझ आ गई बेटा? सबने विरोधी शब्द अच्छी तरह लर्न करने हैं 72 पेज। ओके क्लियर है बेटा सब नू? हुन आवा बेटा ऐसे करांगे, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां। बेटा उस दिन करवाया सी ना एक्सरसाइज, एदा की मीनिंग है? मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत दा की मीनिंग है? एनीवन स्टूडेंट, उस दिन आपां कीता सी ना बेटा लेख है स्टार्ट, मीनिंग दस्सिया सी ना बेटा, की मीनिंग है एदा? कवनूर। यस बेटा कवनूर। मैम इसका मतलब है कि जो इंसान अच्छे तरीके से यार मिठे मिठे शब्द यूज करके बोलता है, लाइक प्यार से बोलता है, वो एक बहुत अच्छा गुण है उस इंसान के अंदर। हाँ पर मिठा जिहड़ा गुण है, किसी नाल मिठा बोलना या निम्रता धारण करनी सब तो वधिया गुण है। मिठर नीवी नानका गुण चंगे तत् भाव की किसी नाल मिठा बोलना, ठीक है, निम्रता धारण करनी, इस सारे गुणा नाल सब तो वधिया गुण केड़ा है? मिठा बोलना ते निम्रता धारण करनी। ए तुक किदी लिखी हुई है? एनी वन स्टूडेंट, ए किन्ने लिखी है तुक बेटा? गुरु नानक देव जी की। किदी लिखी बेटा? गुरु नानक देव जी की। यस वेरी गुड, गुरु नानक देव जी लिखी है। दिव्या, दिव्या ते बेटा केड़ी पानी च गुरु नानक देव जी केड़ी पानी च ले गई है? मैम आई डोंट नो दैट। चलो कोई गल बेटा, आसा दी वार विचो, ठीक है, केड़ी पानी आसा दी वार? पहला आप जान पहचान की लिखांगे, ठीक है, मिठर नीवी नानका गुण चंगियाईया तत्, ए तुक किदी लिखी हुई है बेटा? ये तुक है, ठीक है, पहले देखिए ये तुक है, ठीक है, तुक किदी लिखी हुई है? ए श्री गुरु नानक देव जी दी लिखी हुई है। गुरु नानक देव जी लिखी हुई है बेटा, ते केड़ी बाणी च दर्ज है? आसा दी वार, आसा दी वार बाणी विच दर्ज है। ते इस तुक दा मीनिंग तुहानू मैं दस्सदा ही है, मीनिंग की है? भाव की इस तुक दा अर्थ है मिठास अते निम्रता, ठीक है, मिठास ते निम्रता सब तो जेड़े की वड्डे गुण हन। मिठास धारण करना ते निम्रता की हन? सब तो वड्डे गुण हन, ठीक है, इसलिए असीं जदों भी किसी नाल बोलदे आ सानू मिठास ना बोलना चाहिए है ते निम्रता धारण करनी चाहिए है। बेटा परमात्मा दी बनाई सृष्टि दे विच, ठीक है, जिहड़ा परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनाई है, जिहड़ा मनुखा जीवन है, वह सब तो अनमोल दात है, जिन्हों बेटा परमात्मा ने सोचन की समझन की शक्ति दी है।
ठीक है, परमात्मा की बनाई सृष्टि भी जो मनुखी जीवन है, मनुखी जीवन ये सब तो ये अनमोल दात है। मनुखी जीवन की अनमोल दात है जिसको परमात्मा ने सोचन दे समझन की शक्ति दी है। इसलिए सानू हमेशा जो भी आप किसी कुछ कहने या बोलते हाँ सानू सोच समझ के बोलना चाहिए है। ठीक है, पहला सोचना चाहिए कि जो असं बोलन लगे हाँ उसने उस शब्द ना दूसरे से जो कि दूसरा इंसान दुखी तो नहीं होगा, तो सानू अपने बोलना दे मिठास लेके आनी चाहिए है। क्लीयर है मीनिंग? हम आप सैकेंड पैरा जरा हैडिंग करा मिठे कौड़े बोलों का असर। सैकेंड हैडिंग मिठे ते कौड़े बोलों का असर। जे आप किसी नाल मिठा बोलते हैं तो वह की असर होंगे, जे कौड़ा बोलते हैं तो की असर होंगे, मिठे के कौड़े बोलों का असर। जी बेटा हम जे तुसी किसी ना मिठा बोल दे तो ठीक है की असर होएगा दूसरे ते भी ते भी। जे आप कौड़ा बोलेंगे तो उसका असर ते अपने शरीर से या मन से किसा होंगे, इस पैर चो लिखना। एनी स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा बेटा जे तुसी किसी ना मिठा बोल दे तो ओदा की प्रभाव पैंदा है या कौड़ा बोल दे ओदा की प्रभाव पैंदा है? ठीक है डैरिन मैम, जे असी किसी नाल मिठा बोलेंगे ता सानू भी अच्छा लगेगा। हाँ मैम, ते जे असी किसी नाल कौड़ा बोल दे ता उन ता दूजे बंदे नाल तो बुरा लगेगा ही, ते इस तो अलावा सानू भी कुछ देर बाद पछतावा होगा कि असी ओ उसनू नहीं बोलना चाहिए सी। वेरी गुड, सुनो बेटा एक बार ध्यान नाल मिठे ते कौड़े बोलों का असर। जे बेटा आप किसी नाल मिठा बोलते हाँ ठीक है, इस नाल जिहड़ा कि होगा साडा अपना मन भी खुश होएगा ते दूसरा इंसान जिहनूं असीं मिठा बोलते हाँ वह भी बहुत ज्यादा खुश होगा। भाव कि मिठा बोलना साडे शरीर ते भी चंगा प्रभाव पैंदा है ते दूसरा जिहड़ा सुनन वाला इंसान है उहदे ते भी तुहाडा इफेक्ट जिहड़ा कि चंगा पैंदा है। पर जे बेटा असीं किसी नाल माड़ा बोलते हाँ, गलत शब्द इस्तेमाल करते हाँ, तो इस नाल जिहड़ा जिस नाल आपां माड़ा बोल रहे हाँ ठीक है उसनों भी दुख, ठीक है उसनों भी बहुत दुख हुंदा है, तो सानू भी जिहड़ा कि कई तरह दीआं बीमारियां लग जांदियां है, कई तरह के रोग लग जाते हैं, ना तो सानू चैन की नींद आती है, तो ना तो जिन्होंने असीं कौड़े शब्द बोले उसनों चैन की नींद आती है। ठीक है, इसलिए बेटा सानू कदे भी किसी नाल जिहड़ा कि फिक्का या माड़ा शब्द नहीं बोलना चाहिए। माड़े शब्दों का दूसरे से भी माड़ा असर पैंदा है ते साडे अपने शरीर से भी इहदा तन मन ठीक है साडे अपने तन ते मन ते इहदा परवारा माड़ा असर पैंदा है। क्योंकि गुरु नानक देव लिखे नानक फिक्का बोलीए, नानक फिक्का बोलीए तन मन फिक्का होए, नानक फिक्का बोलीए तन मन फिक्का होए। भाव कि जे असी किसी नाल माड़ा बोलते हाँ ठीक है, माड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हाँ तो साढ़े शरीर से तन से मन से भी माड़ा प्रभाव पैंदा है। क्लीयर है बेटा? नैक्सट है हैडिंग निम्रता अहम गुण। सब तो वड्डा गुण है निम्रता, निम्रता सब तो अहम गुण लिख सकते हैं, तो वड्डा गुण अहम भी लिख सकते हैं तो वड्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सारे गुणा नालों जिहड़ा निम्रता है वह सब तो वड्डा गुण क्यों कहा है, क्यों कहा गया है बेटा? क्योंकि बेटा दुनिया के चाहे जिन्हें भी गुण है, कोई बड़ा पढ़िया लिखिया इंसान है ठीक है, बड़ा ज्ञानी है ठीक है, चाहे बड़ी उच्ची पोस्ट से लगा है ठीक है, जे कोई इंसान है बड़ी उच्ची पोस्ट से लगा है, बड़ा पढ़िया लिखिया है, बड़ा सूझवान है ठीक है, बड़ा पाठ पूजा करने वाला इंसान है, पर जे उस इंसान दे विच मिठास वाला गुण ही नहीं है तो बाकी जो गुण हो व्यर्थ हो गए। कि चाहे इंसान कोई भी पढ़िया लिखा है या बड़ा दानी है, बड़ा सूझवान है, बड़ा पाठ पूजा करने वाला है, बड़ा दयालु है, पर उस इंसान के बोलना दे जी बेटा मिठास ही नहीं है तो वो सारे गुण व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसलिए बेटा सानू हमेशा अपने बोलना विच मिठास लेके आनी चाहिए, चाहे जिनी मर्जी असीं उच्ची पोस्ट ते क्यों ना लगी हुई। भाई गुरदास जी ने भी किया है ठीक है, भाई गुरदास जी ने बेटा पानी ते अग की उदाहरण दी है। भाई गुरदास जी जिन्होंने बेटा
गुरु ग्रंथ साहब लिखा, भाई गुरदास जी कौन सा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब लिखा, उन्होंने पानी ते अग दी उदाहरण दिती है, क्या है कि पानी का सुभाव जिहड़ा कि हमेशा नीवा रहिंदा है, ठीक है, ते अग जिहड़ियां लपटां हमेशा उपर वल जांदियां, अग दियां लपटां हमेशा उपर वल जांदियां, भाव कि पानी ठंडा हुंदा है ते अग की है गर्म हुंदी है उहदा सुभाव, ठीक है, जिहड़ा पानी की है वह सानूं ठंडा करदा है, पानी का सुभाव की है हमेशा निम्रता और नीवा रहिंदा है, हमेशा नीवे वल बहिंदा है, पर अग की है लपटां हमेशा उपर वल जांदियां हन, इसलिए अग की है दूसरे नूं नुकसान पहुंचाती है, अग की है हमेशा दूसरे नूं नुकसान पहुंचाती है, पर पानी जे साडे हाथ जे साडा हाथ जलिया है कुछ होया है कोई गर्म चीज लगी तो आप पानी पाके सानूं उस राहत मिलती है, इसलिए बेटा भाई गुरदास जी ने भी कहा सानूं अपना सुभाव पानी दे वाल रखना, जिहड़ा जिस तरह पानी नीवा बहिंदा है निम्रता है उस तरह सानूं भी जिहड़ा कि निम्र रहना चाहिए है, क्लीयर है, निम्रता वड्डा गुण क्यों है क्योंकि जी साडे विच किन्ना मर्जी ज्यादा गुण क्यों ना हो, पढ़े लिखे क्यों ना होइए, सूझवान क्यों ना होइए, ठीक है, चाहे जिन्नी मर्जी उच्ची पोस्ट ना लगे, जे साडे च मिठास नहीं तो सारे गुण व्यर्थ हैं, इसलिए लेकिन सब तो वड्डा गुण की है निम्रता नूं मन्निया गया है। नैक्सट है बेटा अहंकार एक वड्डा अवगुण, अहंकार, ठीक है, नैक्सट है सिक्स पॉइंट अहंकार या होमे, जे साडे दे विच बेटा अहंकार है होमी है, ठीक है, वो की सब तो वड्डा ओगुण है अहंकार, की सब तो वड्डा ओगुण है, क्यों ओगुण है क्योंकि जिस इंसान दे विच अहंकार होएगा होमी होएगी, ठीक है, जेड़ा इंसान दूसरे ना गलत ढंग ना बोल रहा है, ठीक है, उस इंसान नू कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है, वो इंसान किसे दा कदी भी फायदा नहीं कर सकता, जिस चाहे इंसान बड़ा वड्डा दानी चाहे कोई इंसान बड़ा वड्डा दानी है पढ़िया लिखिया है, ठीक है, पर जे उस इंसान दे विच बेटा होमी है अहंकार है, ठीक है, वह इंसान कदे भी किसी इंसान की मदद नहीं कर सकता, कोई दूसरे का कुछ भी वह सुधार नहीं सकता, ठीक है, इसलिए अहंकारी इंसान का कोई भी फायदा लाभ नहीं है, क्लीयर है। नैक्सट है जिवें बेटा इहदे विच आपां भी लिख सकते हैं सिमल दे रुख की उदाहरण है, मैं उधर करवाया वैसे 9C नूं सिमल दे रुख की उदाहरण, सिमल दे रुख की उदाहरण, इहदे विच गुरु नानक देव जी ने एक, ठीक है, सिमल का रुख बेटा सिमल का एक रुख है, ठीक है, जिहड़ा बड़ा वड्ड आकारी हुंदा है, बड़े वड्डे आकार का हुंदा है, पर उहदे जिहड़े फल फुल है बड़े बक बके बड़े बेसवाद हुंदे हन टेस्टलैस हुंदे हन, ठीक है, चाहे जिन्ना मर्जी वड्डा है पर उहदे फल ना तो कोई मनुख खांदा है इंसान ना तो पशु पंछियां नूं उहदे फल सवाद लगते हैं, ठीक है, ना तो पंछी उहते अपना आलना बनाते हैं, भाव कि चाहे कोई इंसान जिन्ना मर्जी वड्डा क्यों ना हो जाए, ठीक है, जो किसी का किसी नाल मिठास नाल नहीं बोलता उहदे विच निम्रता नहीं है तो उहदा कोई फायदा नहीं, इसी तरह सिमल दे रुख की उदाहरण दिती है गुरु नानक देव जी ने, सिमल का रुख बेटा बड़ा वड्डा आकार का हुंदा है पर उहदे वड्डे आकार का, ठीक है, किसी नूं कोई फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि उहदे फल की हन बक बके हुंदे हन बेसवाद हुंदे हन, ना तो उहदा फल मछु पंछी खांदे हन ना तो मनुख खांदे हन ते ना ही पंछी उहते आलना बनांदे, इसलिए अजिहे रुख दा जां जे इंसान जिहदे च बड़ा अहंकार है उहदे वड्डे होण दा जां उच्ची पोस्ट ते लगे होण दा कोई फायदा नहीं है, क्लीयर है बेटा सब नूं इत्थे, क्लीयर है। फिफ्थ पॉइंट बेटा मैं तुहानूं करवा दित्ता सी निम्रता धारण, नैक्सट पॉइंट बेटा करवाया सी निम्रता धारण करन लई यतन, निम्रता धारण करन लई यतन, भाव कि सानूं केड़े केड़े यतन करने चाहीदे हन, केड़े केड़े यतन करने चाहीदे, भाव कि सानूं अपने विच नेकी लैके आओ, ठीक है, अपने विच दयालूपन लैके आओ या किसी लोड़वंद की मदद करो, ठीक है, अपने विच सबर संतोख लैके आओ, जे साडे सबर संतोख होएगा धीरज होएगा, ठीक है, असी दूसरे की मदद करांगे ते अपने आप ही साडे विच निम्रता ते मिठास आ जाएगी, ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आपां करांगे निम्रता दे लाभ ते सारश, समझ आ गई बेटा इत्थे सारिआं नूं, ऐसे क्लीयर है बेटा सब नूं इत्थे ऐसे, प्लीज़